इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर। सलोन जो आपको देता है स्टाइल। आज यहाँ आयुर्वेद नर्सेज का पिछले 5 दिनों से संविदा कर्मी और बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेज का जो हमारी प्रक्रियाधीन भर्ती है उसके अंतरिम वरीयता सूची जारी करवाने हेतु धरना चल रहा है, लेकिन अभी तक वरीयता सूची जारी नहीं की गई है। आज हमने इसके विरोध में यह नग्न प्रदर्शन किया है। हम सरकार और विभाग को बताना चाहते हैं कि जो भर्ती में शामिल अभ्यर्थी है उनके बड़े फटे हाल हो रहे हैं। आप जल्द से जल्द वरीयता सूची जारी करें जिससे मतलब जो भर्ती में शामिल अभ्यर्थी है उनको निजात मिल सके। आज क्या किया आपने? आज यहाँ पर हमने अनग्न प्रदर्शन किया है, विभाग को चेताया है और आप के माध्यम से हम सरकार और विभाग से कहना चाहते हैं कि इस भर्ती में और लेट लतीफी नहीं की जाए। हम पिछले माह भी धरना दिए थे, अब भी धरने पे बैठे हैं। संविधानहीनता से ये पराकाष्ठा तक जा रहा है मामला। अगर ये नहीं किया गया तो अब सारे अभ्यर्थी यहाँ पे आंदोलन और उग्र करेंगे। तब तक जारी रहेगा प्रदर्शन? जब तक वरीयता सूची जारी नहीं की जाती है तब तक आयुर्वेद नर्सेज का यहाँ पर प्रदर्शन जारी रहेगा। और भी हमारे साथ ही है, वो सभी आएंगे। ये मुहिम बढ़ती चली जाएगी, ये जितना लेट लतीफी करेंगे हम उतना ही जमे रहेंगे। धनुषराम मीणा, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान आयुर्वेद संयुक्त संघर्ष नर्सेज एसोसिएशन। इसमें 400 नर्सिंग कर्मियों की जो भर्ती है वो अभी प्रक्रियाधीन है। इसमें जो मेरिट लिस्ट है वो जोधपुर यूनिवर्सिटी में कार्य चल रहा है उसको, लेकिन मीनवाइल ये इशू आया है कि वहाँ पर जो रिव्यू लगा हुआ था हाई कोर्ट में, जिसमें NHM में कार्य करने वाले लोग, मुख्यमंत्री BPL में काम करने वाले लोग, इन लोगों को लेने के गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेजेस वालों ने भी इसमें रिव्यू लगा रखा था। तो उसमें 2 रिव्यू तो हमारे गवर्नमेंट के फेवर में डिसाइड हो चुकी हैं, जिसमें सिर्फ सरकारी उसमें जो कार्यरत हैं उन्हीं लोगों को लिया जाएगा, लेकिन 1 रिव्यू में प्राइवेट लोगों को भी इसमें DB में ये डिसाइड कर दिया था कि आप प्राइवेट कॉलेजेस में जो कार्य कर रहे हैं उनको भी ले सकते हैं। वो रिव्यू अभी डिसाइड नहीं होने की वजह से गवर्नमेंट ने भी हमें मार्गदर्शन यही दिया है कि जब वो रिव्यू डिसाइड हो जाए उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाए। क्या लगता है कोई टाइम पीरियड? तो इसमें कल ही हमारे मैंने एडिशनल साहब से बात करी है, वो जोधपुर से ही बिलोंग करते हैं, तो AG से मिलके हमारी यही स्ट्रेटजी है कि हम विदिन 7 डेज इसको अर्ली लिस्टिंग करा के, इस रिव्यू को डिसाइड करा के और भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू करें।